मध्ये किती रुपयाचं अनुदान खर्च आहे? मी तुम्हाला नांदेड जिल्ह्याला भरपूर पैसा देण्यात आलेला आहे, सगळी आकडेवारी मी उद्या परवा तुम्हाला देईन. ते टोटल मारा, मी कधी टोटल मारलीच नाही आतापर्यंत, आले ते पैसे देत गेलो मी. नांदेडला याच्या पुढे पैसे कमी मिळणार नाहीत हे मी तुम्हाला ग्वाही देतो. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि औरंगाबाद के नामांतर का जो विषय है वो कैबिनेट का फैसला है, नंबर वन. दूसरी बात है कि संभाजी महाराज का कत्ल औरंगजेब ने किया था, ये वास्तव वास्तव है. तो औरंगजेब ने कत्ल करने के बाद में ऐसी सूरत में क्या हम उस बात के लिए क्या भूमिका रखे, ये बात तो स्पष्ट बात सुनिए. ये सवाल हिंदू या मुस्लिम का सवाल नहीं है. औरंगाबाद का नामकरण ये कोई हिंदू या मुस्लिम से इशू रिलेटेड नहीं है. हम सेक्युलर है, हम उतना ही हिंदू को मानते हैं, उतना ही मुसलमानों को भी न्याय देते हैं, अन्य समाजों को भी उतना ही न्याय देने की हमारी सबकी कांग्रेस पार्टी की भूमिका है. पर यह वास्तव ये है कि संभाजी महाराज का कत्ल किया गया था, बड़े बहरमे से कत्ल किया गया था, और कत्ल औरंगजेब ने करवाया गया था, ये इतिहास कहता है. तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए बताइए. सर, जो आप बोल रहे इतिहास का ये विषय था, जी, सरकार जो मुस्लिम शाहों को आधा नाम जो दे रही है वो एंटी मुस्लिम लॉबी के तहत कर रही है, और शिवसेना इसको एक हिंदुत्व के एंगल से देख रही है. देखिए, मैं इस चीज को बिल्कुल सेक्युलर है, मैंने मैंने आपको वास्तव बताया है कि औरंगजेब और अकबर में बहुत फर्क था. औरंगजेब की जो पिछली इतिहास है, उन्होंने अपने खुद के वालिद का भी कत्ल किया था, ऐसा इतिहास है, अगर मैं गलत नहीं बोलूंगा तो. तो संभाजी में अभी जाना नहीं चाहता हूं, इसको कृपया हिंदू या मुस्लिम के एंगल से मत देखिए. इसको कैबिनेट का फैसला एक विशिष्ट परिस्थिति में लिया गया है, इतने अंतर में कहना चाहूंगा. दरम्यान काँग्रेस पक्ष हा त्या दरम्यान वॉकआउट करणार होता, मात्र नंतर काँग्रेसने समर्थन दिला असं बोलले जाते. नाही, असं कुठलाही निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला होता ना काँग्रेसने घेतला होता. देखिए, उस्मानाबाद के जो विषय कॅबिनेट में आने के बाद फैसला होने के बाद मैं और क्या कह सकता हूँ. देखिए, मैं इसमें कोई ज्यादा बहस करके इसको अलग एंगल से बात नहीं करना चाहूंगा. मैंने इतिहास का जो सच्चाई है आपके सामने रखी. इतक्या लवकर बाहेर येणं अयोग्य आहे मला वाटतं. आम्ही काही एवढे उतावळे झालेलो नाही आणि आम्ही काही एवढे उतावळे झालेलो नाही. त्याने संधी घेतलेली आहे, कशा पद्धतीने घेतली आहे जनजाहीर आहे, आणि त्यामुळे अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना शुभेच्छा की दिवस टिकवतील हे त्यांच्यावर आहे. हमारे यहाँ फर्नीचर, पलंग, सिंगारदान, सोफा सेट, अलमारी, डाइनिंग टेबल, कंप्यूटर टेबल और दीगर कंपनियों के फर्नीचर दस्तियाब है. प्रोपराइटर मौलाना मोहम्मद शबीर अहमद साहब, डीलक्स फर्नीचर मॉल एंड होम अप्लायंसेस, फ्रूट मार्केट के सामने, माल्टीगिरी रोड, कामठा, नांदेड़. अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए अब नांदेड़ में सागवान, इंजीस और नागपुरी सीमेंट के खूबसूरत डिजाइन और कलरफुल मजबूत चौखटें अभी खरीदे. गजानन हार्डवेयर, मालेगांव रोड, गीते पेट्रोल पंप के करीब, नांदेड़. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मुंबई से मंजूर शुदा कोर्सेज, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन प्रोफेशनल ब्यूटिशियन. दाखिलों में जल्दी कीजिए. ग्लोबल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, उबेद रेसिडेंसी, माल्टीगिरी रोड, नांदेड़. हमेला खवातीन और औरतों के दिगर अमराज, बांझपन के इलाज के लिए, फैमिली प्लानिंग की मशवरात के लिए, बेहतरीन आलात की सहूलत में, नॉर्मल और ऑपरेशन से बच्चों की पैदाइश के लिए और जदगी के साथ साथ औरतों के दिगर अमराज के इलाज के लिए खुसूसी नज़्म, केरला के मल्टी स्पेशलिटी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तजुर्बेकार डॉक्टर खान सारा नुदरत, मावीन मैटरनिटी एंड नर्सिंग होम, चावलवाला कॉम्प्लेक्स, SBI बैंक के ऊपर, देगलू नाका, नांदेड़. मैं अखिल मिर्जा. हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा. लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज, और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें.